गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सोल रैम्बलर। राइट नाउ आई एम इन नारकंडा, जो कि कल आ चुका था मैं घर से। वो आपने देखा नहीं होगा, तो पहले आप वो देखो, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ यहीं। सी यू। चुके हैं नारकंडा, और नारकंडा में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बर्फ प्यारी सी है। अभी जा रहे कैंपिंग साइट पे। भाई पहुंच चुके हैं नारकंडा और ठंड पूरी है। क्यों सेठ जी? पूरी ठंड है भाई, पूरी। -2 चल रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह पे स्नोफॉल हुई हुई है, पर 2 दिन पहले स्नोफॉल हुई थी नारकंडा में, तो सारी जितनी भी पुरानी है वो आइस है। और देख लो ठंड फटी पड़ी है भाई। पीछे पार्क दिए गाड़ी, नीचे कैंप साइट है वहाँ पे, तो वो एक बार देखने गए भाई। उसके बाद अगर पसंद आई तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो कोई होटल लेंगे। बंटी गया नीचे कैंप देखने, और हमारा मन नहीं कर रहा क्योंकि कैंप की साइट थोड़ी नीचे है। सामान इतना फुल है गाड़ी, बिल्कुल बैग हैं, सिलेंडर है, और थोड़े यूटेंसिल्स हैं, खाने पीने का सामान है, और ले जाने और ऊपर चढ़ाने में इतना टाइम लग जाएगा। तो अपन निकल रहे हैं यहाँ से, अपने विचार नहीं है यहाँ रुकने का। ऑन रोड कोई भी ऑटो मिलेगा वहाँ रुकेंगे, नहीं तो दिक्कत जाएगी। क्या बोलता है सेठ जी? दिक्कत नहीं हो जानी सामान लेके जाने में? ये तो है, है? दिक्कत तो बहुत है। कॉल आ गया भाई की। मच 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 लेटर। चलो भाई वनवास में आ गए, वनवास। जहाँ रात को मना कर रहे थे वहीं आके स्टे किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। और रात को जो फटी है ना ठंड में, कोई बता ही नहीं सकता। नीचे से भी ठंड लग रही है, ऊपर से भी ठंड लग रही है, बुरा हाल हो गया। ये हमारा टेंट था छोटा सा, इसमें पीछे 3 जने, क्योंकि टेंट था बिल्कुल फुल। बाहर टेम्परेचर अभी भी चल रहा है -3 -4। बाहर का नजारा दिखाता हूँ आपको। भाई जो चाय का मजा है ना इस ठंड में, किस चीज का मजा नहीं भाई। मैं और मेरा फ्रेंड ऊपर आ चुके हैं, और गाड़ी को हमने अभी चालू करा है ताकि चालू हो जाए टाइम पे, क्योंकि इसकी बैटरी इशू है थोड़ा, और इतनी सर्दी है ज़्यादा, मतलब -5 चल रहा है, तो बैटरी इशू वैसे ही हो जाता है। कोई नॉर्मल गाड़ी भी हो, ठीक गाड़ी हो, उसमें भी बैटरी इशू हो जाता है। तो अभी स्टार्ट करके रख दिया है, और अभी ब्रेकफास्ट करने दोबारा नीचे जाएंगे जहाँ रुके हुए थे रात को। उधर इधर कहाँ है ये रहा। ब्रेकफास्ट अभी रेडी नहीं हुआ, जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है हम इतने नीचे पहुँच जाएंगे। होगी, चलिए। उसके बाद खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, सामान लेंगे, ऊपर आएंगे, सामान सेट करेंगे, उसके बाद स्पीति वैली को कंटिन्यू रखेंगे, और शायद आज हम चितकुल जाएंगे। उसके बाद रात को 8 बजे तक कहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ जहाँ तक भी पहुँचे रात को 8 बजे तक वहीं स्टे कर जाएंगे हम, वहीं मिलेंगे आपको। बाकी ट्रिप को एंजॉय करो। सी यू। जो अपना बोनट पे गोप्रो था ना, उसका व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, अब अपन ने चेंज कर दिया। अब जो बनेंगे ना वीडियो मस्त बनेगा, सारा बोनट आता है उस पर, दिक्कत होती थी। अब बिल्कुल साफ नजारा दिखेगा सामने क्या चल रहा है। रामपुर पहुंच चुके हैं, रामपुर से निकलते ही दोबारा शुरू कर देंगे।
गरचम जा रहे हैं, पूरी ठंड है, रास्ता एक नंबर रास्ता है, अंधेरा हो चुका है, खाना हमने कुछ खाया नहीं है, जब खाना खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। मजा आ गया, सीधा करचम पहुंचो, बटल से मिलो, मजा आ गया। अरे बंटी वाला बैग निकाली, ऊपर ही पड़ा काला। भाई पहुंच चुके हैं सांगला, और अपने दिल्ली वाले जो भाई थे ना गुड़गांव वाले, सारे पहुंच चुके हैं। इन्होंने नॉन स्टॉप गुड़गांव से सांगला मारा है, इनको रामपुर करते 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 इनको मैं सांगला ले आया हूँ। यो प्रो, यो यो मिल्खा सिंह। रूम पे चलते हैं, फिर मिलते हैं, अभी सामान सेट। रामपुर करते करते सांगला पहुंच चुके हैं, और हमारे भाई गुड़गांव से सीधा, गुड़गांव से सांगला नॉन स्टॉप, और पूरा मजा आ गया। कल जाएंगे हम चितकुल, चितकुल में एंजॉय करेंगे, उसके बाद जाएंगे स्पीति वैली और न्यू ईयर वहीं सेलिब्रेट करेंगे। काजा जाएंगे, टाबो जाएंगे, तो जो भी छोटी छोटी जगह है हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। पीन वैली तो टेंशन होने लगी अभी से, ये वापस कैसे जाएंगे, कैसे जाएं भाई, आ तो गए, वापस कैसे जाएं इतनी दूर। वापस भी भेजेंगे भाई, हम वापस भी भेजेंगे। कोई भी आदमी कहीं से भी कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। विक्की राणा, too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.